बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज फिर आ गए हम लोग छत पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप सबकी कंप्लेन आ रही है जी बार बार कि आवाज़ ठीक नहीं आती, छत पे भी आवाज़ नहीं आती। मुझे नहीं पता कि कैमरा जो है वो इधर उधर से कौन सी आवाज़ें जो है ना वो अपनी तरफ खींच लेते रिकॉर्ड कर देते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि जब सन्नाटा हो तभी हम लोग जो है रिकॉर्डिंग शुरू करें। बाज़ हम लोग एक क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए ना घंटा घंटा इंतज़ार करते हैं। तो आज ही मैं फातिमा ने धोए काफ़ी सारे कपड़े और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम भी अच्छा था और कपड़े सूख गए हैं, वरना तो आजकल कपड़े सुखाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसमें थोड़ी नमी लग रही है। आज ही हमारे साथ एक फनी सा सीन हुआ है, क्योंकि हमारी एक सिस्टर है जो अक्सर कहती है कि आप लोग गोश्त नहीं पकाते हो। अभी मैं ऊंचा बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ आए, अभी ये ना समझिएगा कि वो चीख चीख के बोल रही है। असल में जी रीज़न थोड़ा सा ये है कि आप लोग कहते तो माइक ले लो माइक ले लो। आप यकीन करें कि मैंने बहुत माइक मंगवा के जो चेक कर लिए, मेरे मोबाइल के साथ कोई माइक जो है ना वो लग नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला बना हुआ है। तो अभी जी जो है ना मसला ये है कि मोबाइल चेंज करने की अभी गुंजाइश नहीं है। और सीन आज ये हुआ जी कि आज ना भाभी ने भी गोश्त मंगवा लिया है, भाभी ने भी आज पूछा नहीं मुझे कि क्या पकाना है, और ना ही आज मैंने भाभी से पूछा। मैंने कहा चलो आज मैं भी सरप्राइज करती हूँ कि नीचे से गोश्त लेके ऊपर चली जाती हूँ। तो मैंने भी मंगवा लिया और आज भाभी ने भी गोश्त मंगवा लिया, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, भाभी ने कीमा मंगवाया और मैंने चिकन मंगवाया। और अभी फिर ये डिसाइड हुआ है कि आज कीमा आलू पकाते हैं, ये फिर बाद में इसके बारे में सोचा जाएगा कि इसका क्या बनेगा। तो अभी जी फिलहाल फिर हम जल्दी से करते हैं शाम के खाने की तैयारी। और माशाल्लाह अब्बू और अम्मी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो मैं ज़रा बर्तन ले आऊँ फटाफट ताकि खाने का जल्दी से इंतजार। आप जी मौसम हो गया काफ़ी चेंज, रात को जो है ना वो बाहर नहीं सोया जाता, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो तब अच्छी खासी त्रेल पड़ती है, तो त्रेल में सो कर तो सुबह तक वैसे ही जोड़ जो है वो जुड़ जाते हैं और बंदा उठ नहीं पाता। इसलिए मैं सोच रही कि अब यहाँ पे चारपाइयाँ नहीं आती तो अभी ना हम अपना वो जो पंजाबी वाला किचन है ना वो बनाना शुरू कर देते हैं। असल में दिन में गर्मी हो जाती है ना, तो इकबाल साहब ने बनाना भी खुद ही है, उनको जितना मर्जी मैं कहूँ ना किसी से बनवा लेते हैं, उन्होंने नहीं मानना। तो गर्मी में फिर काम नहीं हो रहा, इस वजह से थोड़ा सा लेट लेट ही होता जा रहा है। चले जी जब अल्लाह को मंजूर होगा बन जाएगा। तो अभी हम जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं। आज ही अल्लाह का शुक्र है कि आलू जो है वो नए आ गए हैं। कुछ दिन पहले इकबाल साहब से सब्जी मंगवाई तो इकबाल साहब आलू लेके आ गए पुराने, इतना बड़ा मसला बना फिर किसी ने खाई नहीं है ना। और अभी ये है कि मैंने यहाँ आके देखा नए आलू और मिट्टी अच्छी अच्छी लगी हुई है साथ, तो अब मेरे से उठा नहीं जा रहा क्योंकि मैं पहले दो तीन चक्कर लगा के आ चुकी हूँ। मैंने कहा चले मैं छील के ना बाद में सारे देखती हूँ। मौसम थोड़ा सा खराब है जी, इसलिए अम्मी कहती है कि मैं आग जलाती हूँ तो तुम जो है ना सब्जी काट लो जल्दी से ताकि जल्दी जल्दी जो है खाना तैयार हो जाए। दूसरे चूल्हे पे भाभी रोटियां बना रही है।
अभी बारीक बारीक कटा लकड़ियां गीली हैं क्योंकि कल भी बारिश हुई थी तो मम्मी से आग ही नहीं जल रही और जो कागज लगा रही है अंदर वो हैदर है वो मामी से लेके आओ ना कपड़े की टाकियां छोटी छोटी वो जो मामी ने कटिंग करके रखी है ना वो लेके आओ जरा। तो बादल जी जैसे बड़े गहरे गहरे आ गए हैं, अल्लाह करे अब हमारा खाना जो वो जल्दी से बन जाए, इसीलिए हम माँ बेटियां दोनों लगी हैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए खाना। बस मेरा मोबे करना कर दो, सारी चीजों की कटिंग हो गई है इसकी। फिर मैंने अम्मी से सीट ले ली अपनी क्योंकि अम्मी को बड़ी दिक्कत हो रही थी इस पे पीढ़ी पे बैठ के, अम्मी की टांगे दर्द करती हैं, घुटने दर्द करते हैं, तो चेयर पे बैठ के फिर अम्मी को आग जलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए आप हमारे पास बैठी थी, हमारे लिए यही बहुत है, तो खाना जो है ना वो हम खुद बना लेते हैं। मुना जीरा नहीं है मेरे पास और वो सूखा धनिया पाउडर नहीं है, हल्दी का भी अंडी अच्छे सारी डाल के गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, आने वाले वक्त में ना यहीं पे किचन बनाना चाह रही हूँ, पहले मैंने उधर सोचा था क्योंकि जो है वो कमरे का साया आ जाता है, तो मैंने कहा था सहूलत रहेगी, लेकिन यह कि वहाँ पे बाथरूम है और जो उधर का बैकग्राउंड है ना वो नहीं अच्छा, और हम रहे यूट्यूबर, हमने देखना होता है कैमरे की नज़र से कि बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये दरवाजे से लेके
इधर दीवार बनाएंगे और खुला सारा करके बनाएंगे ताकि 2000 मेहमान भी जो है ना वो भी हमारे साथ समा जाए। जब हमारे कैमरामैन पीछे जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आ जाए। आजकल जी बड़ी कंप्लेन आती है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो बात भी सही है, जब बात करके बात सुनने का मजा ही नहीं आएगा तो जाहिर बात है बात करने का फायदा नहीं है। और अभी जी मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन, इसमें और चिकन का कीमा था, सॉरी मैंने बोलना कीमा था, और कीमा जो है वो चिकन का है, तो जो हमारे टमाटर वगैरह थे वो गल गए थे तकरीबन, अभी मैंने कीमा इसमें शामिल कर दी है। उससे पहले मैंने डाली थी हल्दी, कलर चेंज हो गया, तो अभी मैं यहाँ पे शामिल करूंगी जी जीरा, और जीरा एंड टाइम पे पता चला है कि पिसा हुआ नहीं है, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा हाथों से मल के ही डाल, वैसे इस वक्त मुझे पिसा हुआ चाहिए था यहाँ। हमसायों की छत पे खेल रहे हैं जी बच्चे, तो उनका शोर यकीनन हमारी आवाज से ज्यादा आ रहा होगा। अभी जी मैंने शामिल कर दिए हैं सारे जो आलू थे, अभी मैं बारीक बारीक काट के रखे हुए थे, कीमे के साथ बारीक बारीक आलू ही अच्छे लगते हैं। आज हमने कुकर में खाना नहीं जी बनाया, आज हम लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। कोई 10 बाजों की आवाज आ रही है इधर से उधर से इधर से, पता नहीं कहां कहां से ऐसा म्यूजिक बना रहा, साउंड फूटवा पूरा। चलें जी मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें, थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि आज जो है ना कुकर में खाना नहीं बन रहा, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा दिलाने के लिए। कुकर में पानी थोड़ा सा कम से भी गुजारा हो जाता है, ढक्कन थोड़ा दूर पड़ा था इसलिए मुझे दूर जाना पड़ा। अभी जी आलू हमारे नहीं गले, सालन अभी तैयार नहीं हुआ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज नमाज जो है ना वो इधर पढ़ लेती हूँ, वरना आज कल दोनों में नमाज ज़्यादातर अपने नीचे नमाज रूम में ही पढ़ती हूँ, तो आज मुझे ज़रा अपनी हैंडी किया तैयार रखना है, इसलिए फिर मैं नीचे ही पढ़ी, क्योंकि बाकी सब लोग भी नमाज पढ़ रहे हैं और भाभी बड़ी जो है वो उधर खाना बना रोटियां बना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अदा कर ली है मगरब की, और अब्बू भी नमाज पढ़ के आ गए हैं, यकीनन इकबाल साहब भी नीचे नमाज पढ़ के आ गए होंगे, और अभी देख लेते हैं जी खाना हमारा जो है ना वो कहाँ तक पहुँचे। शाहजेब को मैंने बुलाया, उसने मुझे बल्ब जो है ना वो बाहर निकाल के दे दिए, क्योंकि बल्ब जो है ना वो अंदर वाली साइड पे रखते हैं, हल्की हल्की यहाँ रोशनी आती है क्योंकि लोग इधर उधर सोए होते हैं तो फिर उनकी छतों पे लाइट पड़ती है तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। बस अभी खाने के लिए हमने बनाने के लिए हमने बाहर किया, तो इसके फ़ौरन बाद जो है ना हम लोग अंदर कर देंगे। हम सारे भी छत पर नहीं थे चढ़े, आज हो सकता है हम सारे चढ़े भी ना क्योंकि आज जो है ना ट्रेल पड़ेगी। तो अभी जी मैं इसमें डाल लूँगी धनिया, और उसके बाद बस 2-3 मिनट के लिए इसको पका के तो हम हांडी जो है वो नीचे उतार लेते हैं। दादा बुक पानी लेके आ,
अबू को हमने खाना दे दिया जी, क्योंकि अबू बड़े टाइम पे खाना खाते हैं और अभी बाकी सबकी रोटियां भी नहीं बनी। और वैसे भी भाभी ने कहा कि थोड़ा सा ना वो क्या उसे कहते हैं कि रस मिस्सा सा बना लो, बिल्कुल सूखा सूखा सा जो है ना वो नहीं ठीक रहेगा, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया, तो इस पर लगेगा जी थोड़ा सा टाइम। तो आप हमें देंगे इजाज़त, इस इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।